नमस्कार, मैं हूं श्री उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर के प्रायोजक हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। पुलिस जोन 11 की स्पेशल टीम ने नाइजीरिया से मुंबई ड्रग्स की तस्करी करने आए 3 नाइजीरियन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 15,20,000 कीमत का 152 ग्राम कोकीन बरामद किया है। तीनों नाइजीरियन बिजनेस वीजा पर मुंबई आए थे। मालवनी डिवीजन के दिलीप यादव ने बताया कि पकड़े गए नाइजीरियन मुंबई के पब, हाई प्रोफाइल होटल और युवाओं से मोटी रकम लेकर कोकीन बेचते थे। हमारे अपर पुलिस आयुक्त नॉर्थ रीजन के राजेश प्रधान सर और डीसीपी संग्राम सर निशानदार साहब, इन्होंने एक 4 दिन पहले एक स्पेशल स्क्वाड तैयार किया था और वो नारकोटिक्स के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार किया था। तो कल उनको दोपहर में एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि खारोड़ी राठौड़ी में चेरी स्टूडियो के सामने कुछ नाइजीरियंस ऐसे नारकोटिक्स लेके आने वाले हैं। तो उन्होंने उस जगह पर अपना ट्रैप लगाया था और उन्होंने और उनके स्क्वाड ने वो लोगों को वहाँ ट्रैप कर दिया है। तो उनके पास तभी 152 ग्राम का कोकेन मिल गया है, जिसका अभी का कीमत 15,20,000 रुपये है। ये कोकेन जो है वो हाई सोसाइटी में उसका यूज़ होता है ज़्यादा करके, और इसके अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो PI बड़े कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम चुगबू चुंगा फिलिप्स गॉडविन उम्र 32 वर्ष, चुकवे मेकर डॉनियल अजा उम्र 24 वर्ष और माइकल अनतिन सकडोल कौसी उम्र 22 वर्ष है। मुंबई से विनय दुबे खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।